अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होप सो यू आर वेल। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स ओपन हो रही हैं, तो उसके लिए कटिंग शटिंग करानी थी। बीएड मैंने सेट करानी थी और ईसा ने कटिंग करानी। तो सबसे पहले भी हमने जाना है बाजार। बाजार में काम है थोड़ा बहुत, तो उससे पहले आते हैं। तो 20 साल माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया, ईसा अभी तक सो रहा है। तो जब तक हम वहाँ से आ जाएंगे, ईसा भी तब तक उठ जाएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे कटिंग कराने। तो भाई साहब, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, और फिर भी लोगों को चैन जरा भी नहीं है। जैसे उनको चैन नहीं है, वैसे मुझे भी चैन नहीं है। बाजार में सब आए हुए हैं, जरा भी चैन नहीं है इन लोगों को। सो अभी मैं जा रहा हूँ बेकरी, या बाजार में न्यू बेकरी ओपन हुई है, आयत बेकरी। आ जाए इसका विजिट करें। एंटर होते साथ ही ये सैंडविचेस हैं, उसके बाद ब्राउनीज वगैरह आ जाते, फिर इन्होंने थोड़ी सी डेकोरेट किया होता है बिस्किट स्वीट्स लिख के, और फिर इनके पास डिफरेंट टाइप्स की मिठाई हैं। बिस्किट्स भी इनके पास हर किस्म के अवेलेबल है, और भी ये छोटी सी मार्केट भी है बेकरी के अंदर ही। थोड़ा सा सामान ही है लेकिन बेस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है। ये केक्स वगैरह आ जाते हैं, केक्स पेस्ट्रीज। उसके बाद हमने अपना सारा सामान ले लिया, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। चले, घर जाके आपसे मिलता हूँ। घर जाते जाते खाने का टाइम हो गया था और भूख भी लगी हुई थी। फिर कराची नसीब बिरयानी से हमने बिरयानी ली और चिकन पुलाव लिया। सो फाइनली बाजार से आ गए थे। भाई आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। तो ईसा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है मेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मैंने कटिंग करानी है इसकी। तो चलें फिर हम जाते हैं बार्बर शॉप में, तो पहले कटिंग कराते हैं, उसके बाद फिर बाइक भी सर्विस करानी है, बाइक का भी काम कराना। चलें आ जाएं। तो शॉप पर हम पहुंच गए हैं। ईसा बैठ गया। ईसा टिम करवा लो, फुल टिम, बाल कटवा लो फुल। अच्छे लगोगे यहाँ से, फुल ऐसे गंजे हो गए हैं, करवा लो, मजा आ जाएगा। आप दे सकते हैं, मेरी बाइक की भी हालत बहुत बुरी हुई हुई है, चेक कर सकते हैं। तो फुल गंदी हुई है, तो तब तक ईसा पहले वो कटिंग करा ले, उसके बाद मैं जाता हूँ बाइक सर्विस करा तो फिर तब तक ईसा की कटिंग हो जाएगी, फिर मैं भी चेक कर लूँ, मैं भी बियर्ड सेट करवा लूँगा। आ जाओ तुम, अभी चलते हैं बाइक पर बाइक सर्विस कराने। मैं अपनी 10 मिनट में भी पहुँच गई हूँ, बस अभी सर्विस करने भी है। आज टाइट चमका देने, फुल फुल चमका देने, लश पश हो जाने। बाइक वॉश करवाने के बाद ऊपर पॉलिश करवाई है, क्योंकि फिर शाइन हो जाएगी, चमक जानी। आज अपनी रानी को लश पश कर देना है। अभी डीजल करवा रहा हूँ, तो भाई जेलन किंग की बाइक है, कुछ ना कुछ तो करवाना है ना। मैं बाइक सर्विस करा कर आ गया, तो ईसा की भी तक नहीं कटिंग हुई थी, तो अभी बस इसकी थोड़ी सी कटिंग रहती है। सो फाइनली ईसा की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मेरा माइक नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं ईसा की भी कटिंग हो गई है। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह,
मैं ईसा से पूछ रहा था कि मैं भी अपना हेयर कट करा लूं, तो ईसा कह रहा था जी करा लो। जी भाई जनाब, अपना हेयर कट करवा लें। इतने लंबे बाल रख के कटवाना, तो मैं बहुत सैड हो रहा था। चलें अभी मेरे बाल कटने लगे हैं, तो बार बार पूछ रहा था कितने काटने, मैं बोला और काट दें, तो बस अभी कटने लगे हैं, तो आप देख लें। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसे कैसे मैं बाल कटवा लेता, इतनी मेहनत से मैंने बड़े किए हुए थे। कैसा लगा मेरा मजाक? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो फाइनली बियर्ड सेट करवा ली है और अभी ईसा ने भी कटिंग करा लिया। अभी ईसा स्टूडेंट लग रहा है, गुड बॉय ईसा। तो अभी ईसा को घर पहले उतारेंगे, उसके बाद बाइक का थोड़ा बहुत अपनी रानी का काम कराना है। रानी थोड़ी खराब हुई हुई है, तो बस फिर अभी ईसा को ड्रॉप करने घर, उसके बाद हमने जाना है अपनी रानी का काम करवाने है, क्योंकि बस कॉलेज स्टार्ट होने लगे हैं, तो पहले ही हम अपना काम शाम फिनिश कर लेंगे। मैं मैकेनिक शॉप पर आ गई हूँ बाइक से करवाने। तो बस बाइक में हवा भरवानी है और ये होल्डर टूटा हुआ है, तो वो सही करवाना है। तो बस फिर करवाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। हानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो गया, बाइक का भी अपनी रानी का भी मैंने काम करा दिया। देख सकते हैं मेरी रानी लशपश हो गई है, लशपश हो गई है मेरी रानी। तो सब काम हो गया, तो मैंने पहले इसलिए पहले काम करा दिया गया, आगे पे कॉलेज स्टार्ट होने लगे तो एक बार फिर सब कुछ काम हो जाए। तो होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद, ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और बेल आइकन को अपने लाजमी दबाने के मेरे नोटिफिकेशन आपको चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।